हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपके। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो एक नई व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और इस व्लॉग में मैं अरविंद नेगी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो अभी के मौसम की बात की जाए तो अभी यहाँ पे हल्की हल्की धूप है और ठीक सामने चौखंबा पे ना हल्के हल्की बर्फबारी होना स्टार्ट हो गई है। और अभी 31st आने वाला है और इस साल पहाड़ देखिए पूरे अभी तक दिखाई दे रहे हैं, और पिछले साल तक जो है ना पूरे पहाड़ों पे बर्फ़ इस टाइम पे रहती थी। इस साल तो चंद्रशिला चोपतर साइड में भी अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी है, जिस कारण जो है टूरिस्ट लोग अभी तक बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, और बर्फ़ पड़ने के बाद टूरिस्टों का आना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है हमारे पहाड़ों की ओर। और आजकल पहाड़ों में ये वाले पक्षी जो कबूतर की तरह दिखते हैं, इनका एक झुंड चलता है, ये वाले आसानी से दिख जाते हैं और पूरा झुंड रहता है इनका एक साथ। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10:40 और हमारी तैयारी हो चुकी है मनसुना मार्केट जाने की, और मेरे साथ है सुनील भाई। और बाकी अभी का मौसम हल्की हल्की धूप और बादल हल्के हल्के चारों ओर से लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं एक नए सफ़र में आज के। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से मनसुना मार्केट के लिए, और वहाँ से जाएंगे उखी मठ, और उखी मठ से हो सकता है मैं निकल जाऊँ दीदी के यहाँ गुप्तकाशी, क्योंकि 1 तारीख को हमारे गांव में है छाबड़ी, और छाबड़ी में जो होता है वो गांव गांव में लगती है, और हमारे गांव में जो नंदा देवी का मंदिर है ना वहाँ पे मतलब गांव का एक त्यौहार बोल सकते हैं, गांव के सभी लोगों का खाना वहीं पे बनता है, अपना अपना स्पेशल बनाते हैं सब लोग, और सबके जितने भी रिलेटिव होते हैं उनको बुलाया जाता है, सबको पकौड़ियाँ वगैरह दी जाती हैं। तो आपको दिखाएंगे, अगर मैं घर पर रहा तो उस दिन ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगा। और पहुंच चुके हैं अपने जाग देवता वाले यहाँ पे, ठीक सामने पे जाग देवता का मंदिर है, और चलिए चलते हैं एक नए सफ़र का आनंद लेते हैं। अभी मैं आया हूँ अपने गांव की, जहाँ से हमारे गांव की रोड का काम शुरू हो रहा है यहाँ ठीक पीछे से, और यहाँ नीचे जो है एक JCP रखा है वो चैन वाला होता है ना, तो वहाँ पे वो ट्रक से आ रहे थे तो वो नीचे वहाँ पे गिर चुका है, दिखाते हैं आपको। और ना आप यहाँ पे देख सकते हैं ये JCP यहाँ पे गिर रखा है, और दूसरा उसको सही करने के लिए जा रखा है, और यहाँ से जो है उस JCP द्वारा उसको ले जाने के लिए रास्ता बना दिया गया। देखते हैं कब तक आएगा, 2-3 दिन हो गए उसको यहाँ पे। अभी हम लोग आए थे उखी मठ रूम पे, और यहाँ पे है चाची, चाची फिर चलिए, और यहाँ पे है एक सिलेंडर खाली हो रखा था तो इसको भरवाना है, तो यहीं बगल पे है गैस गोदाम, तो वहाँ पे चलते हैं और स्कूटी में ले जाते हैं, सरल पड़ जाएगा फिर। सो हे गाइस वेलकम अगेन। तो ये है अगला दिन, और अभी मैं एक बार फिर से रेडी हो चुका हूँ और हम लोग जा रहे हैं, अभी मैं तो जा रहा हूँ अभी सारे गांव, और मेरे साथ है हमारी दादी जी जो कि पीछे आ रही है। दादी हेलो कर, हेलो कर, हेलो। तो दादी जा रही है मनसुना तक, और मनसुना क्यों जा रही है, क्योंकि आज आ रही है हमारे यहाँ आरती दीदी और उसकी यानी हमारी भांजी सौम्या, तो दादी जा रही है उनको लेने, और चलिए चलते हैं आगे।
और कुछ दादी को कुछ बोलना तो नहीं है दादी? कुछ बंद नहीं तो कुछ बंद छो तो बोल दे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? और कुछ? तो दादी का कॉल आ गया है। दादी का फोन आ गया है और दादी के पास खतरनाक वाला फोन है, जो नंबर बोलता है और नाम बोलता है। हेलो 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 तो फाइनली यहाँ पे पहुंच चुके हैं गाइस। और ये कैमरा साफ नहीं आ रहा है बोल। तो फाइनली अभी मैं उखीमठ में पहुंच चुका हूँ और उखीमठ में आके मैं आया हूँ सचिन भाई के रूम पे। और अभी यहाँ पे रूम पे सिर्फ सचिन भाई है और इसका अभी शाम के 4 बजे इसका लंच हो रहा है। और लंच में क्या हो रहा है, इसने ब्रेड बनाए हैं, सॉरी बंद, और उसके साथ पता नहीं क्या क्या चीर फाड़ करके इसको तो सचिन भाई हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक। फाइनली गाइस अभी हम लोगों की तैयारी है नीचे कुंड जाने की, क्योंकि वहां पे है पेट्रोल पंप। और यहाँ पेट्रोल के रेट पता किए तो मन सुना मैं 150 रुपये का दे रहे भाई 1 लीटर। और उखीमठ में तो आज पूरा मार्केट क्लोज है और यहाँ भी 140 का मिलता है, तो उससे अच्छा अभी मैं नीचे जाके भरवा लूँ और फिर चलते हैं सारी। पे पेट्रोल भरने के लिए लगभग आधा घंटा लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ये खाली हो रहा है, ये वेट कर रहे हैं सब लोग यहाँ पे गाइस। यहाँ पे एकदम भीड़ लगती है जा रही है अभी, तो ये तेल देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये बोल रहे अभी आधा घंटा लगेगा बस। अरविंद भाई यहाँ परेशान हो गए बैंकर, मैंने सारे जाना था, मतलब क्या होगा देर में पहुँचूंगा। तो फाइनली गाइस तेल देने बैठ गए ये लोग, लग रहा है सही। और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी लग चुकी थी। फाइनली अरविंद भाई भी तेल भराने के लिए टंकी की डिग्गी खोलने बैठ गए हैं। अरविंद भाई ने भरवा दिया तेल और अभी करेंगे, तेल भरा चुके हैं अरविंद भाई और हम निकलते हैं अभी। फिलहाल मैं अभी सारे गांव में पहुंच चुका हूं और अभी तक यहां पे बारिश लग रही थी और अभी धूप लग गई है। और ऊपर चोपता की साइड में ना पूरा बर्फबारी हो रहा है चोपता, और जहां भी जितनी भी पहाड़ियां लास्ट में दिखाई दे रही हैं दिखाते हैं आपको। और ना अभी यहां पे धूप लग गई है और ऊपर देख सकते हैं आप फुल बर्फबारी हो रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इंद्रधनुष बने हुए हैं, दो बने हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और यहाँ से ऊपर पहाड़ियों में पूरा बर्फबारी हो रही है।